तो अगर तुम देखोगे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को, तो इसमें क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास इज 4:1। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल है, तो मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहाँ होती है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और मास सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल और हाफ मास सेम है एम यू1। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, u² cos² θ1 डिवाइडेड बाई दूसरे वाले का लिखो हाफ mv² और u² cos² θ2, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो u cos θ होती है और ui यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है y एक्सिस में 0 होती है, ठीक ना, और के यहाँ पे u cos θ। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से u1 cos θ1 अपन u2 cos θ2 की वैल्यू ये दिया है 4:1 है, तो 4:1 अंडर रूट मतलब 2:1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो मैक्सिमम हाइट क्या था प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट जो था वो ये वाला हाइट h था, तो मैक्सिमम हाइट अगर h था तो h1 अपन h2 की रेशियो वो भी 4:1 है, तो h1 मतलब u1² sin² θ1 डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू u2² sin² θ2 डिवाइडेड बाई 2g, ये 2 इससे ख़त्म हो गया, दैट इज ऑल्सो 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि u1 अपन sin θ1 डिवाइडेड बाई u2 अपन sin θ2 की जो वैल्यू है वो 4√1, दैट इज 2:1 के इक्वल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये यहाँ से, तो ये जो जैसा जैसा कंडीशन दिया था वैसा वैसा मैं लिख लिया। अब कहते हैं रेशियो ऑफ देयर रेंज, मतलब उनकी रेंज की रेशियो निकालना। तो रेंज की रेशियो क्या होती है भैया, रेंज अगर तुम देखोगे तो रेंज r1 अपन r2 की जो वैल्यू देखोगे तो पहले वाली की रेंज कितनी आ जाएगी, u1 2, यहाँ से 2 u1 का स्क्वायर sin θ cos θ और डिवाइडेड बाई यहाँ से जी रेंज, और 2 u2 स्क्वायर sin θ2 cos θ2 डिवाइडेड बाई जी, ऊपर θ1 रहेगा, तो ये θ1 और ये cos θ1, तो जी ने जी को यहाँ से ख़त्म कर दिया, 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो एक u1 मैं साइन के साथ लेता हूँ, तो u1 sin θ1 और डिवाइडेड बाई u2 sin θ2 नीचे में, और मल्टीप्लाई कर दूँ u1 cos θ1 और ये आ जाएगा u2 cos θ2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर जो दिया था वो कितना था भाई, ऊपर जो दिया था u1 अपन u2 की वैल्यू साइन मैं 2:1 निकाला हूँ और इसका भी वैल्यू 2:1 ही निकाला हूँ, ठीक है। तो फाइनली तुम देखोगे तो 4:1 मतलब 4:1, अगर 1 यहाँ से देखोगे तो 4:1 यहाँ से तुम देखोगे तो बी ऑप्शन अपना सही है। तो दिस इज़ द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।